दोस्तों आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम जिस वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है। वहाँ पे दोस्तों आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन का काम मिल जाएगा, ट्रांसलेशन का काम मिल जाएगा, आप कंटेंट राइटर का काम मिल जाएगा और इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे काम करने का फायदा समझा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो फायदा है वो है कि आपका लोकल लैंग्वेज मिल जाएगा, उसी पे आपको काम करना है, ना कि आपको फॉरेन लैंग्वेज मिलेगा। यहाँ पे आपको तमिल मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, तेलुगु, मराठी, इसी तरह के आपको 8-10 लोकल लैंग्वेज मिल जाएंगे। इसके अलावा भी ये कभी भी अपडेट कर सकते हैं इस लैंग्वेज को, तो आपको अलग लैंग्वेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पे, इसके अलावा भी जो अभी यहाँ पे पार्टिकुलर दिए गए हैं। और दोस्तों ये वेबसाइट जो है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है, इसलिए बिना हिचकिच से आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ पे काम कर सकते हैं। कोई भी आपका पेमेंट इशू नहीं हो सकता है, कोई भी आपको ऐसा दिक्कत नहीं हो सकती कि आपको यहाँ पे काम करने में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको सिर्फ अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है, जाना है यहाँ पे, आपको डॉक फाइल मिल जाएगा, वहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4-5 तरह के जॉब है, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ कि क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट है। आपके पास फोन है तो भी कर सकते हैं, और अगर जो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप यहाँ पे पूरा काम यहाँ पे इनका कर सकते हैं। तो आपको घर बैठे काम करना है, कहीं भी जाना नहीं है, पार्ट टाइम वर्क करना है। तो चलिए मैं चलता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा देता हूँ कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। तो दोस्तों मैं आ गया अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहला जो जॉब मैंने खोला है उसका नाम है कंटेंट राइटर, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट राइटर का काम करके अर्निंग कर सकते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा ये जॉब रिलीज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो स्किल और रिक्वायरमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए, यानी कि टाइपिंग आपको आना चाहिए, तो टाइपिंग तो सबको आता है। हैविंग ए डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स और प्रोग्राम इन ए प्लस, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, बट इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप राइटिंग का काम कर रहे हैं, कॉन्टेंट राइटिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे मस्ट हैव ए लैपटॉप एंड डेस्कटॉप होना चाहिए और एट होम आप घर पे काम कर सकते हैं इजिली। आप यहाँ पे यू हैव ए गुड नॉलेज फॉर गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्स का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि गूगल डॉक्स में ही आपको पूरा काम करना है। तो गूगल डॉक्स का नॉलेज का मतलब हुआ दोस्तों कि आपको यहाँ पे टाइपिंग करके जस्ट सेंड करने का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो उतना सबके पास होता है, नहीं रहेगा तो आप एक 10-15 मिनट का वीडियो देख लेंगे गूगल डॉक्स के बारे में, इजिली आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जॉब लोकेशन का ऑप्शन आ जाता है, तो आप डन फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि कहीं से आप ये जॉब कर सकते हैं, आप घर से करिए, ऑफिस से करिए, कहीं घूमने गए वहां से करिए, कोई भी इनको दिक्कत नहीं है, बस इनको काम से मतलब है, देख सकते हैं एनीवेयर लिखा। क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, तो अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कैन अप्लाई। आप यहाँ पे फ्रेशर एक्सपीरियंस कोई भी हो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप ग्रेजुएशन नहीं किए तब भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन किए हैं तब भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी कर सकते हैं, मतलब आपको जो स्किल्स है इनका ये है, ठीक है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए ये, ठीक है। इनका आप ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट किए नहीं है, उससे इनको फर्क नहीं पड़े होने वाला। बेसिक यहाँ पे जो सैलरी आपकी होनी चाहिए पर मंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 यहाँ पे इनको मिलेगा, बेसिक है, इससे ज्यादा ही मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलने वाले हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन आपका क्या हो वो सब कुछ देख सकते हैं कि आपको एवरी डे कितना घंटा काम करना है, 2-3 घंटे काम करना है, इजिली डायरेक्ट यहाँ पे लिखा कि 2-3 घंटे ही सिर्फ काम करना है, उससे ज्यादा नहीं करना, और उसके आपको कम से कम 10,000 मिलने वाले हैं, उससे ज्यादा आपको मिल सकते हैं, बट यहाँ पे कम से कम जो सैलरी आपकी वो 10,000। तो आप 2-3 घंटे का जो आपको काम करना पड़े और 10,000 रुपए पर मंथ घर बैठे आपको मिल जाए, तो क्या इससे अच्छा काम कोई हो सकता है दोस्तों। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, स्पेशल नोट क्या है वो भी आके रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो जॉब है दोस्तों उसका नाम है सेंटेंस कंपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी सेम है, कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए, एट ए होम गूगल डॉक सीट का आपको नॉलेज होना चाहिए, लैंग्वेज कौन कौन सा है, हिंदी, तेलुगु, चंडीगढ़ का लैंग्वेज है आपको यहाँ पे, बंगाली, कनाडा, मराठी, इसके अलावा भी और बहुत सारे लैंग्वेज जैसे भोजपुरी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो भी है डिग्री है वे नेटिव लैंग्वेज आपके पास डिग्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो इसमें मतलब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको डिग्री होना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डोमेन्स एग्रीकल्चर फाइनेंस किस टॉपिक्स पे आपको नॉलेज होना चाहिए, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए वो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा 40 WPM होना चाहिए, तो वो इजिली आपका हो जाएगा, अगर जो नहीं है तो आप जाके टाइपिंग स्पीड थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद उसका जो है रिज्यूम आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। जॉब लोकेशन आप देख सकते हैं कहीं से भी कर सकते हैं, एनी वेयर वर्क फ्रॉम होम जॉब है तो आप कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि कोई भी डिग्री आपके पास आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, कोई
कोई भी दिक्कत यहाँ पे, इनको डिग्री से कुछ नहीं लेना देना है। बेसिक सैलरी जो इनका है दोस्तों 1000 रुपए पर 200 सेंटेंस में आपको मिलने वाले हैं। सेंटेंस का मतलब हुआ दोस्तों जहां से जहां तक आपको, जैसे कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैन अप्लाई इतना बोल दिया तो इसमें आपको एक सेंटेंस हो गया। इसी तरह आप 200 सेंटेंस लिखेंगे तो आपको 1000 रुपए मिलने वाले हैं, यानी कि आपको ये भी पार्ट टाइम वर्क मिल जाएगा। ठीक है, जब आपका काम करने का मन हो तब करिए, नहीं काम करने का मतलब मत करिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी सेम कर सकते हैं। लैंग्वेज आपको पता है कि आपको यहाँ पे हिंदी भी मिल जाएगा, आप हिंदी में इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा काम है दोस्तों उसमें लैंग्वेज एक्सपर्ट आपको होना चाहिए। जैसे हिंदी, बंगाली, किसी भी एक लैंग्वेज में आप यहाँ पे एक्सपर्ट है। जैसे आप अपना लोकल लैंग्वेज ले लीजिए, आप बंगाल से हैं तो बंगाली आपका एक्सपर्ट होगा, आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश या बिहार से हैं तो आपका भोजपुरी और यहाँ पे हिंदी एक्सपर्ट में होगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो भी आपका एक्सपर्ट लैंग्वेज है उस पर काम कर सकते हैं। हैवी डिग्री, डिग्री आपको कोई भी चाहिए नहीं, यहाँ पे लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स आप प्रोग्राम इंडिया प्लस सबको, स्किल्स रिक्वायरमेंट वही है। जॉब लोकेशन यहाँ पे भी दे सकते हैं, एनी वेयर कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपका वही सेम होगा। बेसिक सैलरी जो आपका है वो कितना होगा दोस्तों, तो 1 रुपए पर 1 एंट्रेंस पे आपको मिलने वाला है। अब एंट्रेंस का मतलब होता क्या है वो समझ लीजिए। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये ट्रांसक्रिप्शन के वर्क की तरह ही होता है। ठीक है, ये जो लैंग्वेज एक्सपर्ट का वर्क है ये ट्रांसक्रिप्शन वर्क है। ठीक है, आपको ऑडियो फाइल मिल जाएगा, उसमें बोलेगा दो बंदे रहेंगे, मान लेता हूँ हिंदी में मिला, उसमें एक बंदा बोलेगा हेलो नमस्कार, तो ये एक एंट्रेंस हो गया। तो आपको वही लिखना है हेलो, या फिर वो एक एंट्रेंस हो गया। उसके बाद जब एक बंदा बोलेगा, मैं एक बार बोल रहा हूँ, फिर सामने वाला बंदा बोल रहा है, दो बंदे हैं एक बार बात कर रहे हैं आपस में, तो एक बंदा जो एक बार में बोलेगा वो एक एंट्रेंस हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला हेलो तो वो एक एंट्रेंस हो गया, उसका 1 रुपये मिलेगा, केवल आपको हेलो लिख देना है, तो वो बोलेगा हाय, तो वो एक एंट्रेंस हो गया। फिर पूछेगा मैं बोल रहा हूँ हाउ आर यू, तो ये भी एक एंट्रेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह का आपको एंट्रेंस मिला और उसका 1 रुपये मिला। कोई एंट्रेंस आपका बड़ा होगा, कोई छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बंदा बोलेगा, अगर जो वो लॉन्ग बोलेगा तो आपको लॉन्ग लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है इसके लिए, जैसे मान लेता हूँ इसी जॉब को मुझे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा अप्लाई वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, प्लीज योर फॉलोइंग द योर अप्लाई लिंक, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिंक जो है मुझे अप्लाई वाले फॉर्म पे रिडायरेक्ट कर देगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जो है ट्रस्टेड जीमेल आईडी डालना है। यहाँ पे जीमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है, पहला नाम, उपनाम, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कॉन्टेंट नंबर डालना है, आपको जो भी डालना है जेन्युइन डालिएगा। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस अपना पूरा डालिएगा, पूरा जेन्युइन एड्रेस डालिएगा, जिले का नाम अपना डाल सकते हैं, यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप मूल स्थान पे कितने वर्ष से रह रहे हैं, आप जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप 10 साल से रह रहे हैं, 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से, जो भी आपका है वो डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपके वर्तमान स्थल, जिले का नाम, जहाँ पे आप पार्टिकुलर दूसरी जगह का, जो आप कहीं शिफ्ट होकर रह रहे हैं, ठीक है, आपके एड्रेस में दूसरा एड्रेस है और आप रह रहे हैं दूसरी जगह, तो वो यहाँ पे डालेंगे जो दूसरी जगह आप रह रहे हैं। अगर जो सेम एड्रेस है तो सेम आप डाल दीजिएगा जिले का नाम। ठीक है, आपका वर्तमान स्थान का पिन कोड, तो अगर जो सेम जगह है तो सेम डालिएगा, नहीं है अगर जो दूसरी जगह रह रहे हैं तो उसका डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको कितने वर्ष से रहने हैं ये भी डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप वर्तमान स्थान पर कितने साल से रहने हैं, 1 साल से, 2 साल से, या फिर आप यहाँ पे जन्म से ही रहने हैं, तो वो डाल दीजिएगा अपना पूरा जोड़ करके। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे किस किस लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लैंग्वेज हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भोजपुरी है, हिंदी है, सब कुछ लैंग्वेज है। जैसे मैं हिंदी सेलेक्ट कर लूंगा, भोजपुरी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी मुझे लैंग्वेज में काम करना है मैं सेलेक्ट कर लूंगा, हिंदी मुझे आता है तो हिंदी में सेलेक्ट कर लूंगा। आप आंसर में आपको यहाँ पे डिसीजन पद, आपका यहाँ पे पद कौन सा काम करना चाहते हैं, कंटेंट राइटर या फिर क्या, वो डाल देंगे। ठीक है, जैसे मुझे कंटेंट राइटर का काम करना तो वो डाल देंगे। ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे आप कंटेंट राइटर डाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है, यहाँ पे आपका कोई संगठन नहीं है तो ये छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के दर पे आपको कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका वर्तमान जो यह है वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके आगे स्टार नहीं लगा तो ये छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे पैन नंबर अपना डालेंगे, जो भी पैन कार्ड का नंबर है वो डाल दीजिएगा। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद दोस्तों ये चीज छोड़ सकते हैं, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन कार्य के अनुसार कौन सी बात आपको सबसे उपयुक्त बनाती है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर जो आपको कुछ यहाँ पे अपने बारे में लिखना है कि कौन सा कार्य है जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन का, वो किस लिए आपको उसको करना चाहते हैं, तो उसके बारे में डिटेल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे स्टार नहीं लगा, जिसके आगे ये वाला स्टार लगा उसको करना आपको जरूरी है। यहाँ पे पूछ रहा है कृपया कार्य करने के लिए अपना पसंदीदा भाषा चुने, तो आप जिस भाषा में काम करना चाहते हैं, जैसे मैं हिंदी सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे भी मैंने एक भाषा लैंग्वेज सेलेक्ट किया था कि ये पूछ रहा था दोस्तों कि आपने पहले कहीं काम किया, आपका मातृभाषा क्या, तो हिंदी मेरा था तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है,
अब यहाँ पे नीचे और आएंगे तो ये चीज आपको पूछा जाएगा, यदि आप इस कार्य को चयनित करने के लिए उस स्थान और जिले का नाम लिखे जहाँ आप कार्य को अंजाम देंगे तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे यदि आपने इस नौकरी के लिए चुने जाते हैं तो आप कौन सा पिन कोड पर कार्य करेंगे वो भी यहाँ पे डाल देंगे। तो सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके और यहाँ पे कमेंट टिप्पणियां यदि कोई हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे सबमिट पे कर देंगे। और सबमिट होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं कि या फिर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं वो आपकी जीमेल आईडी पर मैसेज के थ्रू ये लोग भेज देंगे। अगर जो आप यहाँ का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा तो आप यहाँ पे इजिली काम करके अर्निंग कर सकते हैं। जो भी इनका रिक्वायरमेंट है, जो भी इन्होंने पैसा लिखा, सब कुछ ये देने वाले हैं। इसी तरह आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, सभी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, बट ये फोन आपके पास है तो केवल इसमें ही कर सकते हैं। अदरवाइज सब में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, उस कंप्यूटर की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आना इस वेबसाइट पे, ठीक है। मैं डायरेक्ट इस वेबसाइट का लिंक दूंगा, ना कि आपको जॉब वाला, क्योंकि अगर जो मैं जॉब को दूंगा तो आपको पांचों जॉब का देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आएंगे और ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ओपनिंग का ऑप्शन, यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। व्यू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जनरल ओपनिंग का ऑप्शन है, नीचे रिसर्च ओपनिंग का है, तो आपको ये रिसर्च ओपनिंग वाला मत जाइएगा। इसमें अगर जो आप काम करना चाहते हैं डाटा मैनेजमेंट का, रिसर्च एसोसिएट का, तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये जॉब जो है वो एक्सपर्ट वालों के लिए है। यहाँ पे जनरल ओपनिंग का जॉब है, इसमें देख सकते हैं स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन वर्क मिल जाएगा, सेंटेंस कंपोजिशन का आपको मिल जाएगा, सेंटेंस ट्रांसलेशन, लैंग्वेज एक्सपर्ट, कंटेंट राइटर, ये पांच जॉब है। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो इसका ये डॉग फाइल है, ये डाउनलोड होगा, इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करना है, तो ओपन करेंगे तो आपको इसी तरह ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर जो आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम चैनल पे रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर जो आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।